हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम एक कलर टीवी को रिपेयर करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ इस तरह का फॉल्ट है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, इस पिक्चर ट्यूब में हाफ स्क्रीन आ रहा है। ऊपर तरफ से ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है और आधे स्क्रीन पर बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल काला पड़ा हुआ है। तो ये टीवी है सलोरा का। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या फॉल्ट है। सबसे पहले हमें इसको चेक करने के लिए इसके वोल्टेजेस चेक करना पड़ेगा दोस्तों, कौन से सेक्शन में कितना वोल्टेज जा रहा है। उसके बाद दोस्तों हमें टेस्ट करना है, सही करना है। तो इस तरह का फॉल्ट है दोस्तों, आधे स्क्रीन पर आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है और आधे स्क्रीन पर ब्लैंक है, खाली है। तो इस तरह से ये टीवी हमने पहले ही खोल के रखा हुआ है ताकि आपका टाइम बच जाए। और इसमें आप ये मॉड्यूल देख सकते हैं, पावर सप्लाई का लगा हुआ है, इसका किट देख सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम चेक करेंगे दोस्तों, इसमें कहां से ये फॉल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये किट को पलट देते हैं ताकि हम इसमें वोल्टेज चेक कर सकें। तो दोस्तों यहाँ से हम वोल्टेज चेक करेंगे, जितने भी बेसिक वोल्टेजेस हैं वो पहले हम चेक करेंगे, कहीं से वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, कम तो नहीं बन रहा है, किस कारण से ये फॉल्ट बन रहा है। तो इसका ये है पावर सप्लाई का सेकेंडरी सेक्शन दोस्तों, यहाँ से सभी सेक्शनों के लिए वोल्टेज बन के जाते हैं। तो यहाँ से हम वोल्टेज पहले चेक करेंगे, मल्टीमीटर के नेगेटिव वायर को ग्राउंड कर देते हैं पिक्चर ट्यूब से। यहाँ पे हम 110 वोल्ट देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 110 वोल्ट बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन के लिए -14 वोल्ट बनना है, यहाँ पे 6.9 या 7 वोल्ट के आसपास यहाँ पे बन रहा है। तो ये वोल्टेज कम बन रहा है दोस्तों, और ये है 12 वोल्ट की सप्लाई, यहाँ 12 वोल्ट बन रहा है, जो वर्टिकल सेक्शन को 12-14 वोल्ट जाता है। और जितने भी इसके वोल्टेज हैं बाकी सब सही बन रहे हैं। ये साउंड सेक्शन के लिए 16 वोल्ट, तो ये वर्टिकल सेक्शन के लिए दोस्तों +14 और -14 वोल्ट की सप्लाई जाता है, जो 12-13 वोल्ट भी आ जाए तो सही है। ये वर्टिकल आईसी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों सप्लाई हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों -14 वोल्ट आना चाहिए, वहाँ पे 6.9 या 7 वोल्ट के करीब आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर वर्टिकल सेक्शन में पूरी सप्लाई नहीं आ रहा है, एक वोल्टेज हमारा यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। तो ये वोल्टेज को हमें सही करना है दोस्तों, ये किस कारण से हो सकता है इसको हम आगे बताएंगे दोस्तों। दोस्तों इसका पहला कारण हो सकता है या तो इसका डायोड या कंडेंसर दोस्तों वीक हो, कमज़ोर हो, इस वजह से ये वोल्टेज आपका कम बन रहा हो। या दूसरा कारण हो सकता है दोस्तों, ये वर्टिकल आईसी शॉर्ट हो, ख़राब हो, तो इस कारण से भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। इसको आईसी को बाहर निकाल के चेक करना है दोस्तों, आईसी चेंज करके पहले हम इसको देखेंगे, उसके बाद देखते हैं दोस्तों इसमें क्या करना है। तो आईसी को बाहर निकालने के लिए हमें डिसोल्डर वायर की ज़रूरत है, और हम यहाँ पे पेस्ट लगा के डिसोल्डर वायर की मदद से इसके सोल्डर को अलग कर देंगे, उसके बाद आईसी हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हीट सिंक के साथ इसका स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ से स्क्रू हमने ढीला करके इसको निकाल देना है बाहर। ये वर्टिकल आईसी हमारा बाहर निकल रहा है दोस्तों, और देखते हैं ये वर्टिकल आईसी का नंबर क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये वर्टिकल आईसी हमारे हाथ में आ चुका है और इसका नंबर है UTC 78040। तो ये नंबर है दोस्तों, लगभग ये बहुत सी टीवी में कॉमन ये नंबर लगता है। हम नया आईसी लगाने से पहले दोस्तों वोल्टेज चेक करके देख लेते हैं, क्या आईसी निकालने के बाद हमारा वोल्टेज सही बन रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 12 वोल्ट बन रहा है, और हमारा जो माइनस वोल्ट 6.9 वोल्ट बन रहा था, वो 14 वोल्ट पूरा बन रहा है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे पहले 6.9 या 7 वोल्ट के करीब बन रहा था। तो अब दोस्तों यहाँ पे आईसी को बाहर निकालने से
वोल्टेज पूरा सही हो गया है, जिसका मतलब यही है ये आईसी ख़राब है, शॉर्ट है, जिस वजह से ये आईसी के कुछ पिन आपस में शॉर्ट है, ग्राउंड के साथ शॉर्ट है, जिस वजह से -14 वोल्ट की सप्लाई ड्रॉप हो रहा था। तो हम ये नया आईसी लगा के देख लेते हैं 78040, उसके बाद वोल्टेज हम चेक करके देखेंगे और स्क्रीन की तरफ भी चेक करके देखेंगे क्या हमारा फॉल्ट सही होता है कि नहीं होता है। तो ये है दोस्तों हीट सिंक कंपाउंड पेस्ट होता है, इसका काम होता है दोस्तों इस आईसी की गर्मी को हीट सिंक पे ट्रांसफ़र करना। तो ये जब पेस्ट लगता है तो इसकी मदद से दोस्तों आईसी का जो गर्मी है, जो हीट है, वो हीट सिंक में बहुत ही तेज़ी से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से इस आईसी का लाइफ भी बढ़ जाता है। तो ये आईसी हम लगा रहे हैं दोस्तों, आईसी लगाने के बाद हम फिर से वोल्टेज चेक करेंगे क्या वाकई में हमारा फॉल्ट सही हो पाएगा या और आगे कुछ हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये आईसी हम टाइट कर दिया है, अब इसमें हम इसको सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद दोस्तों इसको हम ब्रश और थिनर की मदद से साफ कर देंगे इस तरह से। तो चलिए दोस्तों अब हम वोल्टेज चेक करके देख लेते हैं कि हमारा वोल्टेज सही हुआ है कि नहीं। और ये देखिए दोस्तों हमारा जो वोल्टेज था यहाँ पे पहले 6.9 था, वो अब लगभग 12.9 यानी 13 वोल्ट के करीब मिल रहा है। तो बिल्कुल इतने में हमारा जो टीवी है वो चल जाएगा दोस्तों, और बाकी वोल्टेज बिल्कुल प्रॉपर बन रहे थे, इसमें सिर्फ यही वोल्ट एक ड्रॉप हो रहा था। अब आईसी लगाने के बावजूद भी वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये हमारा जो टीवी है उसका स्क्रीन फुल साइज़ का हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों टीवी में कुछ भी फॉल्ट आए तो पहले सबसे पहले हमें प्रॉपर उसकी वोल्टेज चेक करना है कहाँ पे वोल्टेज कम बन रहा है, उसके बाद हमें फॉल्ट बहुत ही आसानी से मिल जाता है दोस्तों। जैसा कि आपने देखा वर्टिकल सेक्शन में -14 वोल्ट ड्रॉप हो रहा था, कम बन रहा था, इसलिए हमने आईसी चेंज कर दिया, उसके बाद ये फॉल्ट ओके हो गया दोस्तों। अगर ये फॉल्ट हमारा आईसी चेंज करने के बाद ओके नहीं होता तो हम वोल्टेज ड्रॉप होने का जो कारण है उसको हम और आगे चेक करते, वर्टिकल सेक्शन से रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट्स या इसकी सप्लाई से जुड़ा हुआ डायोड और कंडेंसर जो कैपेसिटर है उसको हम चेंज करके देखते। तो दोस्तों ये हमारा फॉल्ट ठीक हो गया है। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह लेटेस्ट टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स और डीटीएस से रिलेटेड वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहे।